हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल योर न्यू डायरेक्शन पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल 100% सही इन्फॉर्मेशन है ये, और सारी प्रक्रिया पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करने अन्य साथियों तक जानकारी पहुँचा दें, और हर अपडेट के लिए इस भर्ती की चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जो आदेश है ये अभी अभी जारी हुआ है, और ये आदेश हुआ है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के द्वारा समस्त मंडल आयुक्त को। ये आदेश आप तारीख भी देख सकते हैं, 28 अक्टूबर 2021 को ये आदेश जारी हुआ है, जहां पर विषय रखा गया है कि लेखपालों के रिक्त पदों हेतु चयन 2017-18, 18-19, 19-20 के अध्याचन प्रेषण विषयक के संबंध में, यानी कि रिक्त पदों का डेटा मांग लिया गया है। जी हाँ, समस्त मंडल आयुक्त से अवगत कराया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी मंडल आयुक्त से लेखपाल पद के चयन हो, चाहे 17-18 हो, चाहे 18-19 हो, चाहे 19-20 के हो, श्रेणीवार रिक्त पदों का जो अध्याचन है प्राप्त करने के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSSC को प्रेषित करना है ये रिक्त पदों का डेटा। साथ में बताया गया है कि जो लेखपालों का संवर्ग है वो मंडलवार किया जाएगा। जी हाँ, मंडलवार यहाँ पर रिक्त पदों का डेटा मांगा गया है। इससे पहले पिछले वर्ष भी रिक्त पदों का डेटा मांगा गया था, बताया गया है, लेकिन इस बार कहा गया है कि श्रेणीवार जो रिक्त पदों का डेटा यहाँ पर अध्याचन दिया जाएगा वो त्रुटिहीन रहना चाहिए। और लास्ट में एकदम स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक दशा में 1 नवंबर 2021 तक परिषद की इस ईमेल आईडी पर सुबह 11 बजे तक रिक्त पदों का डेटा भेज देना है। मनीष त्रिघाटिया आयुक्त एवं सचिव जी के माध्यम से इस आदेश को जारी किया गया है। यानी कि नवंबर महीने में जैसे कि सूचना थी 20 नवंबर के आसपास लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, उसी क्रम में इस आदेश को जारी किया गया है। और ऐसे में SSSC अगर विज्ञापन आता है 20 नवंबर तक तो SSSC ना ऐड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बिना SSSC के लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।